आज मैं बनाने वाली हूँ बेल का शरबत, और मैं इसे दो तरीकों से बनाने वाली हूँ, विद जूसर और विदाउट जूसर, मिक्सी, जो भी आप चाहें बोल सकते हो उसके बिना। तो देखते हैं कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बेल ली है और इसको हम किसी चीज़ से, भारी चीज़ से तोड़ लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बेलन से तोड़ा है, और इसे तोड़ने के बाद जो अंदर इसका ये है बेल का पल्प है, हम इसे निकाल लेंगे। और चम्मच से निकाल लीजिएगा। ये मैं विद जूसर आपको दिखा रही हूँ कैसे बनेगा। तो ये देखिए, ये मैंने बेल को तोड़ लिया है, और जो ये छोटे छोटे इसमें हैं ये इसके बीज हैं, और इन बीजों के आसपास थोड़ा सा जेल सा होता है, और इन बीजों को हम हाथ से निकाल देंगे। पहले हम बेल को साफ़ कर लेते हैं, इसे पूरी अच्छी तरह से कवर को अलग कर देते हैं इससे, और उसके बाद बाउल में डालने के बाद हम हाथों की सहायता से जो इसके बीज हैं और ये जेल है ये हम इससे बाहर निकाल लेंगे। तोड़ तोड़ के देख लेंगे और सारे बीज निकाल देंगे, क्योंकि जो इसके बीज हैं और ये जेल है ये बिल्कुल कड़वा होता है, और अगर आप इसे ग्राइंडर में इस तरह से ग्राइंड करेंगे बेल के साथ तो ये जो आपका शरबत है बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको अलग कर देंगे। इसमें जो हम विदाउट मिक्सर बनाते हैं तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, हमें ये जो बीज हैं ये साफ़ करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने देखिए कवर को अलग कर दिया है बेल का, और इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो अभी देखिए मैं ये जो बीज हैं हाथ से इस तरीके से मैंने तोड़ तोड़ के अलग कर दूंगी। ये जो सारे बीज हैं निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नहीं तो आपका जो शरबत का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और जो बेल का शरबत होता है पीने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत आसान है बनाने में। तो ये देखिए मैंने मिक्सर में इसे डाल दिया है बेल को, और शुगर आप डाल दीजिएगा इसमें 1 टीस्पून। अगर आपका मन है तो शुगर डाल दीजिए, नहीं तो बेल बहुत ज़्यादा मीठी होती है, इसमें ज़रूरत नहीं होती है शुगर की, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 कप डाल दिया है इसमें पानी, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। जो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है ना ये बीज, इससे इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो हमें पूरे ध्यान से सारे बीज इसके निकालने हैं, और अब स्ट्रेनर की सहायता से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। आप इसमें काला नमक और नींबू भी डाल सकते हो बेल के शरबत में, मैंने नहीं डाला है। ये इसी तरीके से बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है पीने में, और बहुत इजी है, ज़्यादा चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो इसमें नींबू और काला नमक डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, आप जैसे चाहे से बना सकते हो। तो ये देखिए कितना थिक शरबत जो है हमारा बनके तैयार हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर पीजिएगा, गर्मी में बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। अब मैं आपको विदाउट जूसर दिखा देती हूँ कैसे बनाते हैं। तो सेम तरीके से जैसे हमने पहले इसको कवर को अलग किया था, अब फिर से हम इसे इसी तरीके से अलग कर लेंगे। और इसे अलग करने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी का डालकर इसे भिगा देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 से 2 घंटे के लिए इसे भिगा के रख दीजिएगा, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हाथ से बेल को हम इसे इस तरीके से मलते रहेंगे और पानी में भिगा देंगे, जिससे कि जो इसका ये पल्प है ये अलग हो जाएगा और बीज अलग हो जाएंगे, और ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 1 गिलास पानी का डाल दिया है, और मैं चम्मच से ही इसे इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हो, हाथ से ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, पूरा जो बेल है पूरी इसमें पानी में चली जाएगी। ये देखिए थोड़ी देर भिगाने के बाद सारा जो बेल है पानी में मिक्स हो जाएगी, और इसमें आप थोड़ा और पानी डाल लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा थिक है, इसमें आप यहाँ पे शुगर डाल लीजिए अगर आप चाहो, और मिश्री भी डाल सकते हो। और देखिए यहाँ पर मैंने डाल दी शुगर डाल दूँगी मैं, और इसे मिक्स कर लेंगे, और पानी भी डाल दीजिएगा इसमें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो रहा है। तो ये देखिए सारा जो बीज हैं वो अलग हो गए हैं, और जो
बेल का जो पल्प है वो पानी में मिक्स हो गया, कितना थिक जो पानी है इसका शरबत है बन रहा है। तो अभी मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी है, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और अभी आप इसमें वही बात जो पहले मैंने बताई है, नमक और नींबू डाल सकते हो अगर आप चाहें, नहीं तो ये इस तरीके से भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो फिर से हम इसी वही प्रोसेस करेंगे और इसमें इस तरीके से स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। और जो ये हाथ से बना हुआ शरबत होता है ये ज़्यादा अच्छा लगता है मिक्सी वाले से, तो आप इस तरीके से बनाइएगा इसे अगर बनाएं तो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है बेल का शरबत बनाने का। और ये थिक भी बनता है और कड़वा भी नहीं बनता, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा शरबत बनके हमारा तैयार होता है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।